you <laughs> हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं ठीक हैं घर पे हैं और जैसा कि हम अब फिर से कोरोना के रिलेटेड कई सारी बातें सुन रहे हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए आप सब लोग घर पे होंगे सुरक्षित होंगे और अगर घर पे नहीं हैं तो एटलीस्ट उन सारी बातों का ध्यान रखते होंगे जिनके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से हमें बताया जा रहा है ताकि हम इस तरीके की इंफेक्शन uh, से कंटामिनेशन से दूर रह सके तो आज मैं आपके सामने आया हूं एनाटॉमी की एक सीरीज लेकर के तो प्लांट एनाटॉमी रिलेटेड कुछ सेशंस हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे लाइव कंडक्ट करेंगे जिसमें जिसे हमने नाम दिया हुआ है सैटरडे सेट स्पेशल एस सीरीज के नाम से और इस पूरे के पूरे सीरीज में एनाटॉमी से रिलेटेड और बॉटरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हुआ करते हैं जिनसे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं क्योंकि ये क्लासिकल टॉपिक्स में याद करने की बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ इसी तरीके का मोटिव लेकर के हम आपके सामने आए हैं और अब शुरू करेंगे इस सेशन को उसके पहले देख लिया जाए कि कौन कौन से दोस्त कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो कि सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं कई सारे लोग हैं जो सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं एक एक करके मैं सबको गुड इवनिंग कहूंगा जैसे कि दत्ता पूर्वंशी जी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन पिंकी जी गुड इवनिंग कोमल जी गुड इवनिंग अमीनुर जी गुड इवनिंग कृष्ण जी गुड इवनिंग मीना जी रिशु जी गुड इवनिंग सो so, जैसा कि मैंने कह दिया कि प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं कोशिश की जाएगी कि उनसे रिलेटेड ज्यादातर कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जहाँ से सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं जी विकास जी गुड इवनिंग दत्ता जी गुड इवनिंग शिवम जी गुड इवनिंग लाइफ साइंस एजुकेशन गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग टू ऑल बहुत सारे लोग हैं जो कि सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं इरावा जी आशीषा जी गुड इवनिंग तारिका जी गुड इवनिंग पवन जी गुड इवनिंग आरुषि जी गुड इवनिंग पीपी तिवारी जी हेलो आ, मीता जी जी मैं बढ़िया हूँ अच्छा हूँ और आप सबके सामने हूं पिंकी जी जी जरूर अभी तो हमने कुछ बॉटनी से रिलेटेड पोर्शन शुरू किए हैं और जैसे ही बॉटनी से रिलेटेड पोर्शन को हम कवर कर लेंगे जाहिर सी बात है ज़ुलॉजी वाले पोर्शन के भी कुछ लेक्चर्स लेने की मैं कोशिश जरूर करूंगा सो so, जो सेशंस हैं, वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं कि हम एनाटॉमी के जो भी कंसेप्ट हैं वो सारी चीजें मॉलमोस्ट जो भी उसकी आउटलाइन है उनको देखते हुए उनमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जहां से आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि उसके क्वेश्चन आपको बनने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ना बने लेकिन आपका कंसेप्ट जरूर स्ट्रांग हो जाएगा इन सेशन से जी गुड इवनिंग बायोलॉजिस्ट गुड इवनिंग जी पवन जी राम राम सो so, सेशन की शुरुआत करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और आशा करता हूं कि सारे लोगों ने वीडियो को सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दिया होगा लाइक करने के साथ साथ अगर आप आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जो कि आपके ही सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं बॉटनी वाले बैकग्राउंड वाले हैं तो शायद उनको भी आप जाने अनजाने फायदा पहुंचा देंगे तो चलिए सेशन की शुरुआत करें आज पढ़ने के हवाले हैं सबसे पहली बात ये है तो पूरे के पूरे इस सीरीज के अंदर जो मेरा मानना है जो मेरा सोचना है कि हम बात कर लेंगे हिस्ट्री से शुरुआत करते हुए हम एनाटॉमी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि कब से और कैसे एनाटॉमिकल स्टडीज़ की शुरुआत हुई उसी के साथ साथ फिर बात की जाएगी कई सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ से फ्रीकुन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कॉन्सेप्ट आपने कई सारी किताबों में पढ़ा होगा फिर कॉन्सेप्ट आने के बाद फाइनली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम्स में आपको फायदा दें राजेंद्र जी गुड इवनिंग अनजोन गुड इवनिंग नाफिया जी गुड इवनिंग राजेंद्र जी क्लास जो है ये उन सारे बच्चों के लिए है जो कि लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो यदि आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये सारा का सारा सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा सो so, एक सेकेंड आपके सामने कुछ ही पलों में वापस तो सेशन को छोड़ के जाना नहीं है कुछ छोटी मोटी चीजें जहां जिसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे एक साइड से लाइट थोड़ी ज्यादा आ रही है तो मैंने जस्ट उसी लाइट को कम करने के लिए थोड़ा सा यस उसी एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं चिंता ना करें तो जी लीजिए लाइट को एडजस्ट कर लिया गया और अब शुरू करते हैं क्लास को अमित जी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सारे बच्चों को जिन्होंने समय निकाल करके सेशन को देखना शुरू कर दिया है और आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे बहुत ज़्यादा लंबा सेशन मैं नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे टॉपिक्स से आप हो सकता है कि बोर हो जाए लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आप कहीं से भी बोर ना हों चलिए शुरुआत करें सेशन की और हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी की एनाटॉमी एग्जैक्टली क्या है इस टर्म का ओरिजिन क्या है कैसे ये टर्म बना कौन-कौन से बेसिक टर्म्स से जुड़ करके ये टरिनोलॉजी बनी हुई है किस तरीके की स्टडी की जाती है एनाटॉमी के अंदर ये सारी बातें एक-एक करके समझिएगा तो एनाटॉमी बेसिकली दो अलग-अलग वर्ड्स से मिलकर के बनी हुई है जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहला जो टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं जिसे बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको समझना हो मैं यहां पर लिख रहा हूं असुंदर जिसको इंग्लिश में हम असुंदर नहीं बल्कि एसेंडर पढ़ेंगे उसी के साथ साथ जो दूसरा टर्म है कॉल्ड इट एज अमीन ऐसे दो टर्म्स हैं जिसमें एना दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस टर्मिनोलॉजी। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस असुंदर ये जो असुंदर हमने लिख दिया है इसका मतलब क्या है ये टर्म एग्जैक्टली exactly क्या रिप्रेजेंट करता है सो इट रिप्रेजेंट मेनली द पीस। वट इज दैट पीस कोई भी टुकड़ा और ये टुकड़ा बनाए कैसे जाए ये टुकड़े बने कैसे तो बाय कटिंग और सिंपली टैम इज रिप्रेजेंटिंग टू एनाटोमी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ स्टडी इन विच वी जनरली मेक अ कट एंड दट कट में रिप्रेजेंट मोरलेस द इंटायर इंटरनल मोरफोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो एनाटोमी जिसे अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एज अ प्लांट एनाटोमी तो हम प्लांट एनाटोमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ये ऐसी ब्रांच है साइंस के अंदर जिसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को मेनली हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के किसी भी ऑर्गन को प्लांट के किसी भी पार्ट को किस तरह से कट किया जाता है कि उसकी अंदरूनी सारी की सारी बनावट क्या हो जाए आसानी से देखी जा सके स्टडी की जा सके सो दट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्लांट एनाटॉमी तो अब अगर डिफाइन करना हो इस पर्टिकुलर ब्रांच को तो क्या किया जाए कैसे डिफाइन किया जाए यस yes, एनी जी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि सी एस आर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब वीडियो सीरीज कब से स्टार्ट होगी जी ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये भी तो कहीं ना कहीं सी एस आर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है आएगी ये भी आपके काम जरूर आएगी जी के पवार जी गुड इवनिंग और जैसा कि हम कह रहे हैं कि एनाटोमी जो टर्म है वो कुछ यहां से निकल करके आई है राइट तो ऐसा कोई ब्रांच जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इट मे बी द प्लांट इट मे बी द एनिमल अगर आप एनिमल एनाटॉमी की बात कर रहे हो तो एनिमल पार्ट्स की बात कर रहे हो यहाँ पर हम प्लांट एनाटोमी की बात कर रहे हैं तो प्लांट पार्ट्स या प्लांट ऑर्गन की बात कर रहे हो सकता है हम लीफ को कट कर रहे हो हो सकता है हम रूट को कट कर रहे हो हो सकता है हम अपाइकल बर्ड को कट कर रहे हो हो सकता है स्टेम को कट कर रहे हो किसी भी पोर्शन को कट करके उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टडी किया जाए तो उसी को एनाटॉमी कहा जाता है तो जब कभी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन तो प्लांट एनाटोमी इज अ ब्रांच इन बायोलॉजी विच डील्स विथ विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल जी हां इंटरनल स्ट्रक्चर्स। structures of different organs। तो जब कभी भी मैं किसी प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको कुछ पीसेस में कट करना पड़ेगा हो सकता है ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करूँ हो सकता है वर्टिकल सेक्शन में कट करूं अलग अलग पोर्शन में उसे कट करूंगा अलग अलग प्लेन में उसे कट करूंगा और इंटरनल जो बनावट है अंदरूनी जो बनावट है उसे स्टडी करने की कोशिश करूंगा एंड द ब्रांच विच इज कॉल्ड एज अ प्लांट एनाटोमी तो एनाटोमी तो हमने लिख रखी है अब उसी के साथ साथ क्या लिखा जाएगा और एक चीज जो मैंने यहां नहीं लिखी है उसको भी लिख दें दट इज प्लांट तो प्लांट एनाटोमी याद रखे दोस्तों कि जब कभी भी आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो क्लासिकल टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा मोर्फोलॉजी प्लांट मॉर्फोलॉजी जब कभी भी आप बात कर रहे हो प्लांट मॉर्फोलॉजी सो मोर लेस हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हो तो उसमें प्लांट को कट करने की कोई जरूरत नहीं है प्लांट को बाहर से देखो वो कैसा दिख रहा है उसके रूट कैसे हैं उसका स्टेम कैसा है उसका लीफ कैसा है उसके अंदर जो भी एरियल एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो बाहर से कैसे दिखते हैं इस तरीके की स्टडी करें तो उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कह दिया जाएगा लेकिन जब कभी भी किसी प्लांट की एनाटोमिकल स्टडी की जा रही है तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टडी इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन टू स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अंदरूनी बनावट को जानना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्लांट एनाटोमी वी कैन ऑल्सो कोस और क्या कह सकते हैं और क्या कहा जा सकता है इसे इसे और कहा जा सकता है स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी और क्या कह सकते हो आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हो सो एनाटोमिकल स्टडी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स तो डेफिनेशन करने के कई सारे तरीके हैं कई सारे मेथड्स हैं अलग-अलग तरीकों से डेफिनेशन दिया जा सकता है ठीक है right? तो ये हो गई जस्ट जस्ट एंड इस टर्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें अब बात कर रहे हैं एक और टर्मिनोलॉजी की जब एनाटॉमी की बात करोगे तो कभी कभार आपने एक और टर्म सुना होगा अगर ये टर्म आपने सुन रखा है तो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस तो जब कभी भी आप अंदरूनी बनावट की स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी की बात करते हो एनाटॉमी इज वन ऑफ द ब्रांच विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन एक टर्म है जो कि ज्यादातर देखने को मिलता है सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है या विदेड ऑफ प्लांट एनाटॉमी हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी क्या होती है अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी आपका कमेंट आप आपका डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो तो हिस्टोलॉजी क्या होती है जनरली ये ऐसा टर्म है जिसको सिनोनिसली यूज कर लिया जाता है अलॉन्ग प्लांट एनाटोमी लेकिन आगे की क्या बात है लेकिन क्यों कह रहा हूं मैं ये बात मैं जस्ट बताऊंगा उसके पहले आशा करता हूं कि आप सब डेफिनेशन जरूर लिखेंगे कि वट इज मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी में तो मे बी तो यही किया जाता है हम कुछ पोर्शन को कट करते हैं कुछ टिश्यूज को कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है राइट right? उसकी बनावट कैसी है जो भी सेल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है जी राजेंद्र जी बहुत बढ़िया स्टडी ऑफ टिश्यूज इन हिस्टोलॉजी इज हिस्टोलॉजी अच्छा थोड़ा सा और हम इसे बेहतर कर सकते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यू जी ठीक है ठीक है यस नॉट रॉन्ग बट वी कैन इंप्रूव इट तो हिस्टोलॉजिकल स्टडी इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ सम यूनिक काइंड ऑफ टिश्यूज कुछ टिश्यूज को हम ले रहे हैं और लेकर के उनकी स्टडी करने की उनकी बनावट कैसी है वो कौन किस तरीके से बने हुए हैं ओवरऑल जो भी टिश्यूज है उनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है राइट right? तो जब कभी भी हम हिस्टोलॉजी इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है एनाटॉमी के साथ जो गलत है कैसे समझिएगा तो हिस्टोलॉजिकल स्टडी में आप तो बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक तरीके के पोर्शंस के बारे में दैट इज द मिन्यूट इंटरनल के बारे में थोड़े से पोर्शन को आप स्टडी कर रहे हो हिस्टोलॉजिकल स्टडी के अंदर तो किसी ह्यूमन से कैंसरस टिश्यू ले लिया गया उस कैंसरस टिश्यू की इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है इस तरीके की स्टडी को हिस्टोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है तो हो सकता है कि ये क्या हो टिश्यू हो जैसा कि आप सभी ने आंसर दे दिया है या फिर किसी तरीके का टिश्यू सिस्टम हो लेकिन एनाटॉमी अलग है जब कभी भी आप एनाटॉमी इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो यस yes? इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमिकल स्टडी इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोलॉजी कैसे तो एनाटॉमिकल स्टडी को हम माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी नहीं कहेंगे इट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस ओवरऑल बनावट ग्रॉस इंटरनल ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है सिर्फ एक या दो टिश्यू को नहीं स्टडी कर रहे हैं अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट है उन टिश्यूज के अरेंजमेंट कैसी है इस तरीके की ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी की जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाटोमिकल स्टडी तो अब इस हिसाब से हुआ ये कि हिस्टोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऐसा हम कह सकते हैं तो हिस्टोलॉजी कहां पर आ गई इस एनाटॉमी के अंदर आ गई समझ तो में आई बात राइट right? तो हो सकता है एनाटॉमी के अंदर हम जनरली पूरे के पूरे ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें या किसी पर्टिकुलर माइन्यूट इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें डिपेंड करता है समझ में आई तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, आपने भी सही कहा है। ए पवार जी कह रहे हैं सर ये क्लास सेट एग्जाम के लिए है क्या मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कह दिया कि हम बात कर रहे हैं सैटरडे के बारे में ठीक है तो सेट के लिए है ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन सेट वालों के लिए होगा उसके बाद अगर कोई भी बच्चा लाइफ साइंस कैसे देखता है तो उसका नुकसान नहीं होने वाला जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अब बात करेंगे हिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी को समझने की कब शुरू हुई एनाटॉमिकल स्टडीज और मैं चाहूंगा कि आप भी आपकी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है अबाउट साइंस उसको कोरिलेट करते चलें, उसको यहां पर ऐड करते चलें, जो भी चीजें मैं पूछूंगा उसके अंदर। जी मजर जी धन्यवाद और अब आ, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं और फिर एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेवेंटी सेंचुरी के आसपास माना जाता है कि सेवनटीन सेंचुरी के आसपास से ही तो शुरुआत हुई थी प्लांट एनाटॉमी या एनाटॉमिकल स्टडीज की मेनली हम प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल्स भी सारे के सारे प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड ही आपके सामने रखेंगे तो सेवनटींथ सेंचुरी के आसपास से माना जाता है कि इस तरीके की स्टडीज शुरू हुई और ऐसी क्या वजह है कि एनाटोमिकल स्टडीज सेवनटीन सेंचुरी के आसपास से शुरू हुई या उसके पहले एनाटोमिकल स्टडीज नहीं की जाती थी या नहीं की जा सकती थी क्या वजह हो सकती है यस yes, एनी कोई बच्चा अगर इस बात को समझ रहा है तो कमेंट कर सकता है कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि सेवनटीन सेंचुरी के आसपास या इसके दौरान कहा जाता है कि एनाटोमिकल स्टडीज शुरू हुई जिनमें कई सारे साइंटिस्ट हैं सबके नाम मैंने यहां सामने लिख रखे हैं एक एक करके सबके बारे में बात की जाएगी तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भाई क्या वजह है स्टडीज की, की, की अगर देखें तो यहाँ एक नाम लिख रखा है रॉबर्ट हुक सिक्सटीन ये उनका बर्थ टाइम है डेथ टाइम भी दे रखा है सेवनटीन इसके बीच में इन्होंने एनाटॉमी से रिलेटेड कई सारे काम किए और इसीलिए इनके काम को हम शुरुआत मानते हैं एंडोमिकल स्टडीज की अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाएं आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है लाइफ साइंस के अंदर वहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो जी हाँ फटाफट अब आप, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करें ज्यादा जोर नहीं लगाना दिमाग पे बहुत ही छोटा सा इवेंट है जो याद करना है आपको जी हाँ बहुत जल्दी आप आसानी से कलेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं मैं क्या जानना चाहता हूं तो लीजिए आंसर आने शुरू हो गए हैं तो जूही जी कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के पवार जी कह रहे हैं सेल की वजह से और राजेंद्र जी ने कह दिया माइक्रोस्कोप इज नॉट डेवलप कहीं ना कहीं राजेंद्र जी आप ऑलमोस्ट सही जगह पहुंच गए हम बात कर रहे हैं उस समय की जब माइक्रोस्कोप बन रहे होंगे माइक्रोस्कोप बनाने की पहल की थी किसी ने जी के पवार जी सही बात है। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप जब तक नहीं बना था, तब तक तो इस तरह के कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज थी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था और माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद से ही बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में हुआ ऐसे स्टडीज में हुआ जहां पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो रहा था तो जी हाँ बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो सही बात है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का इवेंट भी तो यही आस में ही है और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हम कह सकते हैं कि वो समय शुरू हुआ वो ईरा शुरू हुआ जब एनाटोमिकल स्टडीज की जा सकती तो हम बात कर रहे हैं द सेवनटीन सेंचुरी ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी इवेंट या जो भी हिस्ट्री है प्लांट एनाटोमिकल स्टडीज की उसको हम इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में याद रखेंगे सेवेंटींथ सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी और फिर जो रिसेंट सेंचुरी है उसके बारे में बात कर ली जाएगी या रिसेंट स्टडीज है एनाटॉमी में उससे रिलेटेड बात कर ली जाएगी तो so, 17th सेंचुरी के आसपास से शुरुआत हो चुकी थी एनाटॉमिकल स्टडीज की और जो सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटर इन प्लांट एनाटॉमी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है रॉबर्ट हुक क्या किया था इन्होंने क्या स्टडी किया था हम सब जानते हैं कि पॉर्क की बॉटल जो कि प्लांट के कॉर्टिकल रीजन से बनी हुई होती है उसके सेक्शंस को इन्होंने जब देखा तो कुछ यूनिक तरीके की अपीयरेंस निकल करके आई माइक्रोस्कोप के नीचे तो कह सकते हैं कि शुरुआती जो भी एनाटोमिकल स्टडीज की शुरुआत हुई वो कुछ इस समय के आसपास में हुई जिसमें हम रॉबर्ट हुक का नाम हमेशा याद रखें इसके बाद और भी कई सारे प्लांट एनाटोमिस्ट आए और उन्होंने एक एक करके कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं जिनमें से कुछ प्लांट एनाटोमिस्ट के नाम अगर मैं यहां पर इंट्रोड्यूस सो so, नाम है एन मालफीजी। ध्यान रखें दोस्तों कि ये वो एनाटोमिस्ट थे जिन्होंने कुछ शुरुआती स्टडीज प्लांट एनाटॉमी के अंदर करने शुरू किए और इनके काम से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर बात की जाए ने, नेमिश ग्रीव की 1641-1712 ये पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन है इसके बीच इन्होंने अपना काम किया और कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए जैसे कि द टर्म वॉट वी आर जनरली यूजिंग इन टू द प्लांट एनाटोमी दैट इज अ पैरनकाइमा वेसल्स एंड कॉटेक्स इस तरीके के कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को सबसे पहली बार इन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर यूज किया उसी के साथ साथ अगर मालफी जी की बात की जाए तो 1628, 1699 के बीच में जो उन्होंने काम किया उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया पायरल वेसल्स एंड द स्टोमेटा तो हम देखेंगे कि कई तरह के कंट्रीब्यूशंस इस समय के दौरान किए गए जैसे कि पैरनकाइमा वेसल्स स्टोमेटा, कॉर्टेक्स इस तरह की स्टडीज इस तरह के की डिस्कवरीज इस समय के दौरान हुई है सो वन ऑफ द फेमस बुक रिटर्न बाय मालफी जी दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी प्लान पब्लिस्ड इन 1675। तो so, शुरुआती जो भी काम थे एनाटॉमी के अंदर वो कुछ इस समय के आसपास से शुरू हो चुके थे बहुत ही बेसिक लेवल का काम शुरू हो चुका था एनाटॉमी फील्ड के अंदर होने की राजीव कुमार जी सर ब्रांच वाइज वीडियो कब से रिलीज होने जी, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जैसे ही रिलीज होंगे नोटिफिकेशन लेकर के सबसे पहले मैं आऊंगा ज्ञान चंद्र जी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट एनटॉमी की तो शुरुआती जो काम थे वो सेवनटीन सेंचुरी के आसपास शुरू हो चुके थे उसी के साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात की जाएगी सेवेंटी सेंचुरी में काम की शुरुआत होने के बाद देखने को मिला कि प्लांट एनाटोमिकल स्टडीज में धीरे धीरे जो टाइम था वो कमजोर पड़ता गया जो स्टडीज थी वो कमजोर पड़ती गई तो हम कह सकते हैं कि एटीनथ सेंचुरी के आसपास में जब हम कभी देखें तो उतनी भी ज्यादा डिस्कवरीज और उतनी भी ज्यादा स्टडीज देखने को नहीं मिलती प्लांट एनाटॉमिकल स्टडीज के अंदर और कुछ समय बाद हम कह सकते हैं कि आया 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में फिर से एनाटॉमिकल स्टडीज ने जोर पकड़ा वर्क ऑन एनाटॉमी स्टार्टेड विद अ फ्रेश एनर्जी पूरे जोर-शोर के साथ फिर से 19th सेंचुरी के अंदर प्लांट एनाटॉमिकल स्टडीज ने फिर से जोर पकड़ा और ऐसा जोर पकड़ा कि एनाटॉमिकल स्टडीज के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स कई सारी नई डिस्कवरीज कर दी गई कौन कौन सी नई डिस्कवरीज कर दी गई थी इस समय के दौरान एक एक करके बात की जाए तो रॉबर्ट हुक के बारे में तो हमने बात कर ली आपने यह नाम भी सुना होगा रॉबर्ट ब्राउन और जाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन क्या था तो so, भले आप जानते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करें तो ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था रॉबर्ट ब्राउन का इस तरीके के काम से रिलेटेड थे रॉबर्ट ब्राउन चाहूंगा कि आप इनके काम को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दें मेरे इस प्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हो लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप आंसर दें ताकि कंट्रीब्यूशन आपका भी दिखे एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका भी दिखे जी राजेंद्र जी सही बात न्यूक्लियस और सामने लिख रखा है मैंने न्यूक्लियस बहुत अच्छी बात हम इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस बात से ही ये चीज अगर हमारे दिमाग में रह जाती है ऐसे वो सारे बच्चे जिनको नहीं पता था उनके लिए बात कर रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं हमें काम आ जाएगा तो जी हाँ न्यूक्लियस बाकी लोग बाकी लोग भी चाहें तो इस बात को यहां लिख सकते हैं भाई जी सुमित्रा जी गुड इवनिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन सो बात आकर के रुक गई है नाइनटीन सेंचुरी में एक साइंटिस्ट के नाम पे रॉबर्ट ब्राउन पवार जी ने लिखा है न्यूक्लियस जी हा लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मुझे फोर्टी प्लस लोग देख रहे हैं फोर्टी प्लस लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर सिर्फ दो लोगों ने दिया है कॉन्ट्रीब्यूट तो करें फटाफट जी इरावा जी बहुत बढ़िया सही हैं आप आत्मा जी बहुत बढ़िया सही हैं आप और ऐसी छोटी छोटी चीजें ही शायद हमें कहीं पर किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में काम आ जाए so, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जब कभी भी बात की जाती है साइंस के अंदर रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस लेकिन यह भी पता हो कि इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहां पर की गई थी सो so, जो प्लांट एनाटोमिस्ट हैं, जो प्लांट बॉटनिस्ट हैं, उनके लिए खुशखबर कि फर्स्ट टाइम द न्यूक्लियस स्टडीड इन द स्किन ऑफ ऑर्किड लीव्स। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड लीव्स के अंदर सबसे पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था डिस्कवर किया था हमारे तो लिए गर्व की बात पूजा जी गुड इवनिंग बहुत बढ़िया ऑर्किड लीव्स के अंदर तो अब यह बात भी याद रहेगी आपको कि ऑर्किड के लीव्स के अंदर स्किन के अंदर दैट इज एपिडर्मल पोर्शन के अंदर इन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को देखा था कई सारे एग्जाम में यह बात पूछी जा चुकी है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया कब डिस्कवर किया यह बात भी पूछी जा चुकी है राइट अब यह बात भी याद रखिएगा कि कहां पर डिस्कवर की गई थी सबसे पहली बार उन्होंने कहां पर देखा था बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नाउ बात करेंगे उस चीज के बारे में दट इज न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ ना कुछ बात बता दी गई रॉबर्ट ब्राउन द्वारा लेकिन एक चीज के बारे में अभी भी सन्नाटा फैला हुआ था कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड है ये क्या है एनाटोमिस्ट स्टडी तो कर रहे थे या इस तरीके की चीजों को देख तो रहे थे लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था न्यूक्लियस के बाहर का ये जो फ्लूड है ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है सो टिल दिस टाइम रिवील द मिस्ट्री ऑफ प्रोटोप्लाजम मतलब जब रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस के बारे में लोगों को बताया था उस समय साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट के बारे में हमें उतनी भी ज्यादा सही जानकारी नहीं थी तो बहुत बढ़िया ध्यान रखें न्यूक्लियस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो तो मिल चुकी थी लेकिन एक चीज के बारे में अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी दैट इज प्रोटोप्लाज्म क्या है ये सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है तो किसी ने इसे नरिशिंग जूस कह दिया किसी ने इसको सार कोड कह दिया अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग नामों से इसे रिप्रेजेंट किया गया लोगों के सामने रखा गया कि भाई ये हो सकता है ये कोई नरिशिंग टिश्यू हो या नरिशिंग फ्लूड हो जो न्यूक्लियस को नरिशमेंट देता हो राइट लेकिन बट द नेचर ऑफ मिस्टीरियस फ्लूड रिमेन प्रैक्टिकली अनोन सेवेंटींथ सेंचुरी के बाद अब हम नाइनटीन्थ सेंचुरी में हैं और न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हो गई लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये जो मिस्टीरियस फ्लूड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर ये है क्या और इसके रोल्स क्या है तो अब बात की जाएगी इससे रिलेटेड और इसी के साथ मैं यह भी कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा कि यह वही समय है जब शायद सेल के ऊपर बहुत सारे काम होने शुरू हो चुके थे और कहीं ना कहीं जो सबसे फेमस थियोरी है सेल के बारे में सेल थियोरी वो इसी समय के आसपास में दे दी गई थी बाय द वेरियस ठीक है तो अब आते हैं सेल की स्टडीज में उस पड़ाव पर जब सेल थियरी जैसी स्टडीज की गई और फोर्थ की गई तो अब बात की जा रही है प्रोटोप्लाजम डिस्कवरीज और उसी के साथ साथ कि ये जो सेल थियोरी है वो कब और कैसे आई तो वॉन मॉल 1805 हंड्रेड एंड के आसपास इस समय के बीच में इस समय के दौरान फर्स्ट मैन टू रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाजम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये कि ये नाम याद रखिएगा वॉन मॉल सबसे पहली बार इस बारोटोप्लाजम का क्या फंक्शन है क्या रोल है इसके बारे में जो जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी ध्यान रखें दट इज ह्यूगो वॉन मॉल उसी के साथ साथ जो सबसे फेमस साइंटिस्ट है जैसा कि मैंने कहा कि ये वही समय है जब सेल थियोरी के ऊपर काम करना शुरू हो चुका था और सेल थियोरी प्रपोज कर दी गई थी बाय टू साइंटिस्ट दैट इज मैथिया नाम हम कभी नहीं भूलते ये नाम हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दी गई थी जिसने सेल बायोलॉजी की शुरुआत की दैट इज यस सेल थियोरी सो शेलन जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ से बॉटनिस्ट थे हमारे फील्ड के थे और शॉन जो कि जोलॉजिस्ट थे इन दोनों ने इनडिपेंडेंटली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के ऊपर सेम तरीके की स्टडीज की और सेम तरीके का सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किया और एक पॉस्टुलेट दिया जिसे हम सेल थियरी के नाम से जानते हैं गिवन इन टू दिन हंड्रेड एंड थर्टी एट जी राजेंद्र जी बहुत बढ़िया न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाजम इज इक्वल टू प्रोटोप्लाजम बहुत बढ़िया अब बढ़ते हैं आगे दैट इज अश्विनी जी कह रहे हैं जी इन 1835 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाजम तो जब कभी हम प्रोटोप्लाज्म सेल और सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी इन सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा फिलहाल हम एनाटॉमी में ही अपने आप को रोके रखेंगे तो सेल थियोरी के ऊपर जोरों में काम शुरू हो चुका था इस समय के आसपास नाइनटीन सेंचुरी के आसपास सेल के ऊपर बहुत सारे काम हुए कई सारे साइंटिस्ट सेल की स्टडीज में फटाफट लग गए कि भाई ये जो नई खोज है इससे हो सकता है कि हमारे लिए कई सारे नए रास्ते खुल जाएं साइंस के अंदर और ऐसा हुआ भी कि सेल के रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्टडी अबाउट द सेल और बिकॉज ऑफ द थियरी गिवन बाय एंड टॉन लेकिन हम तो प्लांट एनाटोमिस्ट हैं अगर हम इस नए ब्रांच की तरफ बढ़ जाते तो सेल बायोलॉजी तो शुरू हो जाती एनाटॉमी कभी शुरू नहीं होती तो याद रखें कि जब कभी भी प्लांट एनाटॉमी की बात हो रही है तो प्लांट एनाटॉमी के अंदर जो सबसे फेमस नाम है वो कौन कौन से तो यहां तक तो वो सारे नाम हमने पढ़े जो कि एनाटॉमिक के काम में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए देखे जा सकते हैं उसी के साथ साथ काफी हद तक सेल की स्टडीज से रिलेटेड भी काम करते हुए देखे जा सकते हैं तो ऐसे दो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे जिन्होंने प्लांट एनाटॉमी को जिंदा रखा जिन्होंने इस ब्रांच के अंदर एक्सीलेंट तरीके के काम किए जैसे कि हम बात कर रहे हैं वॉन मॉल के बारे में और उसी के साथ साथ हम बाद में बात करेंगे एक और साइंटिस्ट के बारे में तो बाकी दुनिया सेल थियरी के पीछे पड़ चुकी थी लेकिन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया प्लांट एनाटोमिकल स्टडीज के अंदर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन प्लांट एनाटोमी वॉज डन बायस क्यू गो वॉन मॉल किस तरीके की स्टडीज की गई थी इनके द्वारा याद रखें इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा जब कभी भी आप एनाटॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी राइट तो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हिस्ट्री है वो तो हमेशा हमें पता होनी चाहिए सो द नेचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स वेसल्स कैसे बनते हैं इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड स्टडीज इनका नेचर कैसा है उससे रिलेटेड स्टडीज ह्यूगो वॉन मॉल द्वारा की गई स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस कैसा स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मल पोर्शन का इनके द्वारा की गई लेंटिकल्स और कॉर्क एंड बार्क इन सारे के सारे पोर्शंस की डिटेल स्टडी इन्हीं के द्वारा की गई उसी के साथ साथ इन्होंने ही प्रेस किया कि वैस्कुलर बंडल जब स्टेम से लीफ में जाते हैं तो ये जो लीफ गैप बनने वाला प्रोसेस है और ये जो वैस्कुलर टिश्यूज के डाइवर्जन वाला प्रोसेस है वो कैसे होता है सो so, हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी हम एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम इन साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखें क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी नाम आपको बताए वो कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी में भी हम पढ़ लेते हैं या फिर किसी भी तरीके की हिस्ट्री जब आप शुरू करते हो तो जनरली ये कुछ नाम आप हमेशा ही सुनते हो तो जो एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सटेंसिव स्टडी है अंडर प्लांट एनाटॉमी इट वॉज डन बाय अब बात करेंगे इनके अलावा और कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था तो वो नाम है कार्ल वॉन नेजिल क्या नाम है ध्यान से सुनिएगा कार्ड वोन नेजिल और ये नाम आपने कई जगहों पर सुना भी होगा जी हाँ कार्ल वॉन नेजिल अब बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिस्कवरीज थी ऐसी कौन कौन सी स्टडीज थी जो इनके द्वारा की गई एक एक करके समझिएगा तो वो अ वर्कर हु मेड अ वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनाटोमिकल स्टडीज याद रखें कि अभी तक के जो भी स्टडीज हैं उनमें यह देखने को मिलता है कि ज्यादातर प्लांट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व जो भी टिश्यूज है उनसे रिलेटेड काम हुआ

माइक्रोस्कोप लेकिन धीरे धीरे एनाटोमिकल स्टडीज एक्सपांड होती गई अलग अलग वाइजन के अंदर उनके बारे में बात कर ली जाएगी जी हाँ तो अब बात कर रहे हैं नेजिल द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में किस तरह की स्टडीज की गई नेजिल द्वारा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस तरीके की स्टडीज किसने की नेजिल ने उसके बाद अ टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स उसी के साथ साथ द टर्म जाइलम एंड फ्लोएम दिस वॉज गिवेन बाय ने ध्यान रखें इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इनके द्वारा किए गए स्टडीज को अंडर प्लांट एनाटॉमी तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है इस तरह की स्टडीज उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स वैस्कुलर बंडल्स में भी जो कॉमन टाइप हैं और बाकी के जो टाइप्स हैं उन सारी तरह की स्टडीज एंड फाइनली द टर्म जाइलम एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड बाय ठीक है अभी भी हम देख सकते हैं काम से समझ में आ रहा है कि अभी भी ज्यादातर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही स्टडीज की जा रही है। अब बढ़ेंगे आगे एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द समरी ऑफ एवरी साइंटिस्ट एवरी प्लांट एनाटोमिस्ट तो हमने रॉबर्ट हुक के बारे में बात की हमने Malphi जी और ग्रीव के बारे में बात की हमने मोल के बारे में बात की हमने कार्ल नेजल के बारे में बात की ये सारे के सारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नींव रखी इसकी प्लांट एनाटोमी की वी कैन से दैट जो भी बेसिक वर्क था जिसने इस नए ब्रांच की नींव रखी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट एनाटॉमी फाउंडेशन रखा वो ये साइंटिस्ट थे ये वो तीन साइंटिस्ट चार साइंटिस्ट जो भी नाम हमने यहाँ लिख रखे हैं इन्होंने नींव रखी इस नए ब्रांच की अंडर अ बायोलॉजी दट इज प्लांट एनाटॉमी और उसके बाद अब इंट्रोड्यूस किए जाए वो सारे एडवांस स्टडीज वो सारे एडवांस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय न्यू साइंटिस्ट अंडर द मॉडर्न प्लांट एनाटॉमी तो ये तो थे फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न प्लांट एनाटॉमी उसके बाद इस मॉडर्न प्लांट एनाटॉमिकल स्टडीज में कौन कौन से नए कॉन्ट्रीब्यूशन हुए अब इनसे रिलेटेड बात की जाए तो अब हम नियर बाय कहीं ना कहीं उस समय में हैं जिसे हम नाइनटीन्थ सेंचुरी और ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास का समय कहते हैं नाइनटीन्थ सेंचुरी के लास्ट वाला पोर्शन और ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग वाला पोर्शन वो समय जब साइंस के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज हुई और जब कभी भी आप किसी भी ब्रांच की हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा यही वो समय है जब उस ब्रांच ने सबसे ज्यादा फ्लरिश किया तो अब बात की जाए उन सारे नए कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो कि नाइनटीन्थ और एटींथ सॉरी नाइनटीन्थ एंड ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास में किए गए अंडर प्लांट एनाटॉमी तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन द मॉडर्न पीरियड स्टडीज आज के समय में ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास के बारे में बात की जाए नाइनटीन्थ सेंचुरी जब खत्म हो रही थी उसके आसपास की बात की जाए और अभी तक की जो भी स्टडीज हैं उसके बारे में बात की जाए तो इन सब की समरी है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो कई तरह के की स्टडीज शुरू हो चुकी थी जैसे कि स्टडीज ऑन मेरिस्टम जोनेशन ऑफ टिश्यू इन द रूट स्टेम एंड अपाइकल तो किसी भी रूट के अंदर स्टेम के अंदर अपाइकल रीजन के अंदर जो जोन है वो कहां, -कहां पर मेरिस्टमैटिक कहाँ-कहाँ पर हैं किस टाइप के हैं ये सारी चीजें हम यहीं पढ़ेंगे जब मैं आपको मैरिस्टमैटिकोन पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि कुछ इसी समय के आसपास में ये सारी की सारी स्टडीज की गई हैं। उसी के साथ साथ जोनेशन ऑफ दीज टीश्यूज टिश्यूज आर लोकेटेड एट विच पर्टिकुलर जोन ऑफ द जिनमें कुछ नाम यहाँ पर मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ याद रखें जब हम मेरिस्टोमेटिक जोन पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो जरूरी नाम है उसी जगह पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कुछ नाम जैसे कि हैंस्टेन जिन्हें हिस्टोजन थियोरी का जनक कहा जाता है जिन्होंने बताया कि तीन हिस्टोजन लेयर्स होती हैं यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हुए मैंने देखे तो दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं कि हिस्टोजन थियोरी किसने दी और उसके बाद हिस्टोजन लेयर्स कितने होते हैं आगे बात की जाए सो जूलियन वॉन सैच फर्स्ट देर इज अ थ्री टिश्यू सिस्टम इन टू द प्लांट तीन अलग अलग टिश्यू सिस्टम होते हैं कौन कौन से तीन अलग अलग टिश्यू सिस्टम होते हैं बात की जाएगी डिस्कस किए जाएंगे हर एक टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर ली जाएगी जब हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे तो नाम याद रखिएगा जूलियन वॉन सैच और अब इंटरनल स्टडीज के साथ साथ और भी कई तरीके के ब्रांचेस इस एनाटोमिकल स्टडीज का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये थोड़ी सी अब अलग मोड ले रही है जैसे कि एनाटोमिकल स्टडीज में कुछ ऐसे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ जो कि अलग अलग होराइज़न्स में इस नए ब्रांच को एक्सप्लोर करते चले गए जिनमें हम बात कर रहे हैं बरलैंड के बारे में हैबरलैंड जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनाटॉमिकल स्टडीज को एक नए आयाम नए होराइजन में ले गए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन्होंने जो किताब पब्लिश की दैट इज द फिजियोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी तो एनाटॉमी विद इट्स फिजियोलॉजी कि कैसे अब कोई प्लांट का पोर्शन डेवलप होता है इस तरीके के टिश्यूज डेवलप होते हैं ये टिश्यूज काम कैसे करते हैं इस तरीके के नए होराइजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया गया था प्लांट एनाटॉमी के अंदर और ये नाम ध्यान रखिएगा कि फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट से प्लांट एनाटॉमी को सबसे पहली बार किसने स्टडी किया या फिजियोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी ये जो किताब है ये जो क्लासिकल बुक है ये किसके द्वारा दी गई है तो नाम हमेशा ध्यान रखें दैट इज है आगे बढ़े और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता सो so, अब बात कर रहे हैं एंटोन डी बैरी के बारे में एजुकेशन से माइकोलॉजिस्ट स्टडीज इन्होंने फंजाई के ऊपर की शुरुआती लेकिन कुछ ऐसा भी इनके दिमाग में प्लांट से रिलेटेड आया इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के अंदर एक पूरी की पूरी, पूरी किताब लिख डाली कौन सी किताब लिख डाली इन्होंने प्लांट एनाटोमी के अंदर कंपेरिटिव एनाटोमी ऑफ एंड ध्यान रखने वाली बात है कि पेशे से या हम कह सकते हैं एजुकेशन से प्रोफेशनली ये कुछ और है लेकिन इन्होंने भी प्लांट एनाटोमी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको हम याद रखते हैं एज अ कंपेरिटिव एनाटोमी ऑफ एनरोग एंड फंस तब पब्लिश हुई हुई थी, थी ये किताब 1877। अब बात की जा रही है एडवर्ड वॉन इंगम की सॉरी इगम की 1839 एंड 1914 इस समय के दौरान कुछ काम जिनके बारे में यहां पर बात की जा रही है और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी जो कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं स्टीलार एवोल्यूशन थ्योरी थ्योरी क्या होता है स्टील और क्या है स्टिलार एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी स्टिलर एवोल्यूशन थ्योरी जब कभी भी बात आ जाए तो ये नाम आपको याद रखना है दट इज इगेम ने और उनके कई सारे कोवर्कर्स जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने साथ मिलकर के पूरी की पूरी फाइलोजेनेटिक स्टडी कर डाली स्टिल एवोल्यूशन के ऊपर कि कैसे ये जो स्टील है ये सबसे पहले जो लोअर प्लांट्स हैं जो टर्डोफाइट्स हैं इनमें डेवलप हुआ उसके बाद कैसे ये जो स्टील है ये डाइवर्सिफाई हुआ और अलग अलग तरीके के एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स प्रक्ष्ट फॉर्म हुए तो टर्डोफाइट से शुरू करके कैसे ये स्टील लाइक स्ट्रक्चर ये जो स्टील है सेंट्रल कोल कोर वाला पोर्शन है ये सेंट्रल कॉलम वाला पोर्शन है अलग अलग प्लांट्स के अंदर इवॉल्व हुआ पूरी की पूरी फाइलोजेनेटिक स्टडी रिलेटेड इन रिलेशन टू द सिलार एवोल्यूशन वॉज डन बाय एंड बास को वो कोवर्कर्स कोई और नहीं थे उनके स्टूडेंट्स थे तो अब हम देख सकते हैं कि जो माइलस्टोन्स हैं वो किस तरीके से समय समय पर आते रहे एनाटॉमिकल स्टडीज के अंदर अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने कह दिया कि यहां पर बात की जा रही है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एवोल्यूशन और वी कैन सिंपली एज अ फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये स्टेलर स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए और कैसे डाइवर्सिफाई हुए प्लांट्स के अंदर और क्योंकि हम एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू अब यूज कर रहे हैं एनाटॉमी के अंदर तो ये वही समय है जब इस एनाटोमिकल फीचर को या एनाटोमिकल प्रॉपर्टीज को भी एवोल्यूशन के अंदर एज अ एविडेंस यूज किया जाता था तो अब अगर आपको इस चीज को एनाटोमी को एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है तो याद कीजिए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जिसमें आपने होमोलोगस और एनॉलोग के बारे में बात की होगी एनाटोमी इन सपोर्ट टू द एवोल्यूशन कि कैसे एवोल्यूशन को सपोर्ट किया गया बाय यूजिंग अ वेरियस टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस तो कहीं ना कहीं अब हम उस समय तक पहुंच चुके थे कि एनाटॉमी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्लांट की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए नहीं बल्कि कई सारे आयामों में कई सारे अलग अलग के अंदर अब इस ब्रांच का इस्तेमाल किया जा रहा था टू गैदर द एविडेंसेस व्हाट वी कैन यूज एज अ सपोर्टिंग सब्सटेंस और एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू प्रूव द थियरी ऑफ एवोल्यूशन तो ये वही समय है जब एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स को या एनाटोमिकल इंफॉर्मेशन को एवोल्यूशन को एज अ एविडेंस देने के लिए एवोल्यूशन वाली थियरी को एज एविडेंस सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर एनाटॉमी को यूज किया गया आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बचे हुए पोर्शन को दैट इज नाउ वी आर ऑन द लास्ट पोर्शन दैट अब जो रिसेंट स्टडीज एनाटॉमी के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज नाउ वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन not only interested into that how this internal organization work that is physiology now we are also interested into how this entire internal organization it will get developed so recently job he studies the anatomic in there that is not a classical type of studies now it is simply based on how such kind of structures that is get developed which is called it as a डेवलपमेंटल प्लांट तो बात समझ में आई तो शुरुआत कैसे हुई हमारी और आज का जो रिसेंट एनाटॉमिकल स्टडीज है वो किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से एक्सपांड कर चुका है नाउ द करंट स्टडीज आर मेनली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स हाउ दीज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस आर गेट ऑर्गेनाइजेश कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके की स्टडीज में देख सकते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं जैसे कि ई डब्ल्यू बेली ए एस फॉस्ट उसके बाद ईसो एन मजंदर ये कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन भी सामने लिख रखे हैं कि उन्होंने किस किस तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं ई डब्ल्यू बेली की बात की जाए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लांट एनाटोमी नाम में ही या उनके काम में दिख रहा है कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कई तरीके की स्टडीज इन्होंने की है और इन्होंने जो किताब पब्लिश की जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनाटॉम ध्यान रखिएगा इस नाम को अब बात करें अगर फॉस्टर के बारे में सो कंपेरिटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ वैस्कुलर प्लांट इस किताब को इन्होंने लिखा है दिस बुक वॉज गेट पब्लिश बाय द साइंटिस्ट इसो की बात की जाए एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स इस किताब को इन्होंने पब्लिश किया हुआ है तो सीड्स के अंदर जो सीड एनाटॉमी होती है सीड की इंटरनल बनावट होती है उनके ऊपर स्टडीज की गई है बाय इसो एन मजुमदार वर्कड ऑन द अपाइकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसेंट प्लांट एनाटोमिस्ट के जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सो so, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए जरूरी है जब कभी भी आप हिस्ट्री के बारे में बात करो सारी की सारी हिस्ट्री जो भी हमें पढ़नी है एनाटॉमी से रिलेटेड वो हमने यहां पर कवर नहीं की लेकिन पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है पूरी की पूरी जो आउटलाइन है हिस्ट्री की वो जरूर हमने यहां पर डिस्कस किया अब जब एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब उनसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि किस साइंटिस्ट ने उस काम को दिया है किस साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम यूज किया हुआ है कोई टर्म किस साइंटिस्ट ने कब दिया जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ कुछ और पोर्शन भी एड करते चले जाएंगे तो दिस इज जस्ट आउटलाइन ऑफ द एंटायर प्लांट एनाटोमिकल हिस्ट्री तो ध्यान रखें कि पूरे की पूरे हिस्ट्री को हम सेवेंटी एंड जो रिसेंट सेंचुरी है उन सब में डिवाइड कर देंगे इन सेंचुरीज में हमने क्या क्या अचीव किया और किस तरह से इस एनाटोमिकल स्टडीज में एवोल्यूशन हुए इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भी काफी है कि आसानी से कई सारी चीजों को समझा जा सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है सो दिस इज अबाउट द टूडे सेशन और अब बता दिया जाए आपको कि अब एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आने वाले सेशंस में कवर किया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कॉन्सेप्ट होंगे क्वेश्चन होंगे वो तो सॉल्व कराए जाएंगे तो जिस तरीके से आप सभी लोगों ने एक्टिवली इस सेशन में पार्टिसिपेट किया है आशा करता हूं कि हर वीक सैटरडे को शाम के पाँच बजे जो भी सेशनस होंगे उसमें आप किसी एक्टिव एनर्जी के साथ ऑपरेट करेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी चीज़ें मुझे आती हैं उसे सीखने की कोशिश करें तो धन्यवाद और अगर आप सभी को ये सारा सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि जब अगली वीडियो मेरी आए या कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू डियर स्टूडेंट Редактор субтитров А.Семкин